अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज की भी हमारे वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर वर्क करूंगा, परफेक्शनली कलर गाइडिंग करूंगा, परफेक्शनल स्किन की ट्यून को किस तरह एडिटिंग करते हैं, तो वो आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवा देता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, ये बिफोर पिक्चर है और यहाँ पर आफ्टर पिक्चर आप लोगों को इसका रिव्यू करवा दूंगा। इस पिक्चर के अंदर हमने क्या क्या चेंजिंग की है, क्या क्या इसकी टचअप की है, तो वो सारी चीजें जो आप लोगों को फर्स्ट पर गाइड करूंगा, वही आप लोगों को वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर इसकी स्किन वॉच कर सकते हैं और इस पिक्चर की स्किन को वॉच कर सकते हैं कि नेचुरल ट्यून के अंदर स्किन की कितनी अच्छी जो है शाइन आई है। तो और दूसरे नंबर पर यहाँ पर इसके हेयर्स की बात करें तो हेयर्स के कलर चेक करें और हेयर्स की जो लेंथ है वो हमने किस तरह सेट की है, तो इजी वे से मेथड है, ये आप लोगों के साथ गाइड करूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताऊंगा, जो स्काई है आप लोग स्काई को चेंज करते हैं, बीच में थोड़ा सा क्लाउड ऐड कर देते हैं, लेकिन हमने इसका स्काई थोड़ा सा चेंज किया लेकिन क्लाउड ऐड नहीं किया। उसका मेथड ये है कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि यहाँ पर स्काई जो है व्हाइट है, यहाँ पर ब्लू जो है स्काई जो है यहाँ पर शो हो रहा है, तो और इसकी कलर ट्यून आप लोग वॉच कर सकते हैं कितनी नेचुरली कलर ट्यून आई है। शर्ट की कलर आप लोग चेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेक कर सकते हैं और नीचे से जो है आप ग्रीनस भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की लुक को आप लोगों के सामने शो हुई है। तो ये चीजें आप लोगों को वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। तो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर वॉच किया करें, मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके वीडियो क्रिएट करता हूं। तो यहां पर वीडियो के अंदर हम जो है आप लोगों को फुल गाइड करेंगे। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को पोस्ट करूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैनुअली एडिटिंग है आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर, इंडोर पिक्चर्स के ऊपर जो फिल्टर मैं प्लगइन यूज करता हूँ वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाते हैं। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ती हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो हम अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो अडोब फोटोशॉप के अंदर मैं आप लोगों को इसका मेन रूल ये बता दूं कि मैं जब भी कोई भी की पैड का बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को की पैड का बटन जो है नजर आएगा, जैसे कि एच दबाया, जे दबाया, यहाँ पर आप लोगों को टाइप किया हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग जो जो कीपैड के बटन प्रेस करूंगा, शॉर्ट की उसे बोलते हैं, तो शॉर्ट की को भी आप लोग याद रखा करें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अपनी फोटो को जो है ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी पिक्चर जो है आ चुकी है, तो यहाँ पर आप लोग इसकी स्किन की रीटचिंग चेक कर सकते हैं कि स्किन कितनी ज्यादा डर्टी है, इसके हेयर जो है कितने ज्यादा करप्ट है, इसको भी मेंटेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूंगा इसकी पिक्चर की थोड़ी सी पहले जो है कलर ट्यून करेंगे। तो कलर ट्यून के लिए हम जो है कैमरा को ज्यादा यूज करते हैं, कैमरा हम ओपन कर लेते हैं, फिल्टर्स के अंदर जाएंगे, कैमरा के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैमरे का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा, ये कैमरा फिल्टर इसे बोलते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, ये जो पिक्चर है कैमरे नाइकोन D7300 की पिक्चर है और जो इसके साथ लेंस यूज किया गया है 70-200 mm लेंस यूज किया गया है, ठीक है। तो ये 70-200 mm की पिक्चर है, ये ब्लरिंग पिक्चर्स होती है, इसका फ्यूचर काफी अच्छा है कि ये पिक्चर्स की काफी शार्पिंग अच्छी देते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो हम इसकी कलर ट्यून करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अडोब फोटोशॉप के जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर जो कैमरा का जो ऑटोमेटिकली ऑप्शन होता है उसे ऑटो मोड बोलते हैं। यहाँ पर ऑटो मोड को हम ऑटोमेटिकली करके देखते हैं कि ऑटो के अंदर हमें किस तरह का रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने ऑटो के ऊपर क्लिक किया है तो ये ऑटोमेटिकली इसका एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो ऑटोमेटिकली चेंज हुई है। तो अगर आप लोग मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैन्युअली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पिक्चर्स का थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं। तो ये पिक्चर्स है, इसके ऊपर मैंने ऑटो मोड यूज किया है, तो इसे के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि काफी ज्यादा चेंजिंग आई है। बिफोर आफ्टर भी यहाँ पर आप लोगों को शो करवाता हूँ, देखें बिफोर आफ्टर ऑटो मोड के साथ, ये देखें ये बिफोर आफ्टर है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आप लोगों के सामने जो है इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा हाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है इसकी स्किन की शाइन बहुत अच्छी आएगी। तो गाइज, यहाँ पर जो है मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सपोजर को अप की है और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेविटी को ऐड करूंगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डेजीज को ऐड करूंगा, ठीक है, यहाँ पर ओके करता हूँ। तो ये हमारी पिक्चर्स की जो कलर ट्यून है वो इजी वे के मेथड के साथ चेंज हो चुकी है, ठीक है, सेट हो चुकी है ऑटोमेटिकली मैंने करना चाहे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं स्पॉट हिल टूल की मदद से जो पिक्चर्स की इर्द गिर्द जो छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसे हम मेन पॉइंट फोकस के अंदर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे इस छोटे छोटे से डस्टिंग को आउट करूंगा, ठीक है, पिक्चर्स की सारी कलरिंग को इक्वल करूंगा, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइटिंग है इसे भी इक्वल करूंगा, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लू कलर की डस्टिंग थी यहाँ पर इसे भी क्लियर करूंगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोग पिक्चर्स के अंदर देखा करें। तो अब जो है ना, बात करते हैं इसके हेयर्स की, ठीक है,
हेयर्स को सेट करेंगे, थोड़ी सी फेस की रीटचिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर कलर लुकअप वाला जो है ना फिल्टर क्रिएट करेंगे पिक्चर्स के अंदर, इसकी कलर स्किन की जो ट्यून होती है उसे किस तरह एडजस्ट कर सकती हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर स्पॉटल टूल की मदद से यहाँ पर जो हेयर थोड़े से अबव हुए हुए हैं यहाँ पर उसे मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में इसे जो हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर स्टेम टूल को मैं यूज कर रहा हूँ, स्टेम टूल की मदद से मैं ये एरिया को मूव करते हुए यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखें ये एरिया को मैंने आल्ट को प्रेस किया, यहाँ पर माउस के लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पर इजीली जो है मैं यूज कर सकता हूँ। ये देखें ये मैं ये जगह को यहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इजी वे के मेथड के साथ जो है हमारे हेयर जो है यहाँ पर सेट हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पर भी ये देखें, ठीक है, यहाँ पर हेयर्स हमारे जो है सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल शिफ्ट एक्स के अंदर जो लेटिफाई है उसके अंदर हम इसके हेयर थोड़े से सेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, जूम करके इसकी थोड़ी सी हेयर की लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश को बड़ा लेता हूँ, ये देखिए थोड़े से हेयर की लेंथ को आप इजी वे के मेथड के साथ जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे ये है कि आपकी पिक्चर्स की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी करप्ट होगी, ठीक है, लेकिन उसे भी जो है आप अडोब फोटोशॉप के अंदर जो है क्लियर कर सकती हैं, शॉर्प कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से हेयर्स को मैंने सेट किया, यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि ये है बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इजी वे के मेथड के साथ इसको भी मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ। तो गाइस इजी वे के मेथड के साथ जो है ना मैं आप लोगों के छोटे छोटे स्टेप लेके आता हूँ जो आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरे हेयर्स जो है सेट हो चुके। तो यहाँ पर गाइस अब बात करते हैं स्किन की रीटचिंग की, ठीक है। तो गाइस स्किन की रीटचिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्पॉटल टूल की मदद से जहाँ पर जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे डॉट है उसे जो है हम रेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें इजी वे के मेथड के साथ जो है स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट है वो मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह पिक्चर्स को क्लोजअप के अंदर करके इसके अंदर स्किन की रीटचिंग किया करें, जब आप जूम करके पिक्चर्स की रीटचिंग किया करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर्स और ज्यादा नेचुरल कलर्स के अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैंने स्पॉटल टूल की मदद से स्किन के ऊपर से जो छोटे छोटे से डॉट है वो मैंने रेज कर लिया। तो यहाँ पर मैं इसे डुप्लीकेट लेयर करूंगा, तो यहाँ पर फिल्टर अदर हाई पास, हाई पास मैंने इसलिए लगाना है कि इसकी पिक्चर थोड़ी सी शार्प हो जाए। तो रेडियस इसका 1.0 पर रखे मैंने ओके किया, यहाँ पर जो है नॉर्मल को मैंने लीनियर लाइट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी पिक्चर थोड़ी सी शार्प हो गई है। तो यहाँ पर मर्ज डाउन किया दोनों लेयर्स को इक्वल करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन के ऊपर थोड़ी सी नॉइज ज्यादा आ गया लेकिन रीटचिंग इसके ऊपर मजे की होगी। तो यहाँ पर हम यूज करने लगे हैं मिक्सर टूल ब्रश को। तो मिक्सर टूल ब्रश की जो मैंने आज सेटिंग रखी है, वेट इसका 33 है, लोड इसका 33 है, मिक्सर इसका 33 है, इसका वो जो फ्लू है वो 44 है। तो यही मेन सेटिंग आप लोग ये बेसिकली रख के तो ये आप रीटचिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आउटडोर पिक्चर के अंदर और भी ज्यादा क्लेवर लुक आएगी ये रीटचिंग रख के, ठीक है। तो यहाँ पर रीटचिंग मैं कर रहा हूँ इजी वे के मेथड के साथ। तो यहाँ पर गाइज आप लोग वॉच कर सकते हैं कि इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर रीटचिंग बहुत अच्छी सी हो रही है। तो मैं ज्यादातर मिक्सर टूल ब्रश को ही यूज करता हूँ जो नेचुरली वर्क होता है उसके अंदर जो है मैं एमीजेक द पोटेचर यूज करता हूँ। उसके अंदर ये है कि आप लोग नेचुरली वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आउटडोर पिक्चर है, इसके ऊपर हम प्रोफेशनली वर्क अगर प्रोफेशनली कलर गाइडिंग करना चाहें तो मिक्सर टूल ब्रश से स्किन की रीटचिंग बेटर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इजी वे के स्टेप के साथ जो है इसकी ब्रीड का स्टाइल भी हम जो है ना क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ब्रीड को मैंने थोड़ा सा सिलेक्शन कर लिया, ये यहां से इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर मैं मिक्सर टूल ब्रश को यूज करूंगा और मेरी ब्रेड का स्टाइल आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस वीडियो डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग भी इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर ब्रेड का थोड़ा सा मेरा स्टाइल आप लोग वॉच कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा और भी अच्छा लगेगा। ये देखें, ठीक है, ये मेरी ब्रेड का स्टाइल भी ओके हो गया। तो आप जो ना मिक्सर टूल ब्रश को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, मिक्सर टूल ब्रश की ही मदद से हम यहाँ पर रीटचिंग करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग ब्रेड का हमारा स्टाइल अच्छा हो गया। तो बाद में इसकी कलर गाइडिंग करेंगे, इसके ऊपर फिल्टर क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग खुद बोलेंगे ये पिक्चर काफी अच्छी सी लुक के अंदर जो है बन के आई है। तो मैनुअली एडिटिंग इस तरह हम करते हैं और प्रोफेशनली एडिटिंग इसे ही बोलते हैं गाइस, कि मेहनत करके जो बंदा काम कर ले उसके अंदर जो है वर्क बहुत अच्छा होता है। तो प्रोफेशनली एडिटिंग के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैमरा अगर अच्छा हो तो वो पिक्चर अच्छी लेगा,
रिजल्ट अच्छा होगा, लेंस अच्छा होगा, तो पिक्चर और ज्यादा ब्लरिंग वाली आएगी और ज्यादा मजे वाली आएगी। तो यही बात होती है कि अगर आप लोग कैमरे के यूजर अच्छे हो जाएं तो इंशाल्लाह आप लोग पिक्चर अच्छी पोर्ट्रेट क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर वर्क ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं मिक्सर टूथ ब्रश की मदद से इसकी स्किन की रिटचिंग कर रहा हूँ और बाद में इसके ऊपर से नॉइज रिमूवर भी यूज करूंगा क्योंकि इसके स्किन के ऊपर काफी ज्यादा नॉइज आ गए हाई पास लगाने की वजह से। यहाँ पर जो है इसकी उस स्किन के ऊपर से जो नॉइज है उसे भी मैं रेज करूंगा। ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जूम आउट करते हैं तो देखते हैं हमारे पिक्चर्स की स्किन की रीटचिंग हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्काई की। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर करूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने स्काई ऐड करना है। स्काई ऐड करने की वजह से इसकी लुक जो है कुछ अच्छी आ जाएगी। यहाँ पर मैं कलर जो है रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कलर रेड सेलेक्ट किया। यहाँ पर जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ तो ब्रश जो सॉफ्ट राउंड सेलेक्ट किया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं सादी एक लेयर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप इजीली लेयर ले सकती हैं। यहाँ पर इसे क्लिक किया इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरह कलर कर दूंगा। ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल को मैं इजीली यहाँ पर स्लाइड करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें डेविड के अंदर भी आ रही है लुक और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के अंदर भी लुक आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, जब कम करेंगे ये देखिए थोड़ी सी इसकी स्काई की लुक जो है बिलू बिलू की राउंड हो गई है। ठीक है, तो ये इजी वे सा मेथड है। इसी तरह हम जो है स्काई को इस तरह सेम इक्वल कलर के अंदर किया है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि बाद में कैमरा के अंदर इसके ऊपर जब फिल्टर यूज करूंगा ये पिक्चर और ज्यादा लुक वाइज बन के आएगी। तो गाइज ये तीनों लेयर को एक करने के लिए मर्ज विजिबल करूंगा। अब इसके ऊपर कैमरे के अंदर हम जो है इसकी थोड़ी सी कलर चून करेंगे और नॉइज रिमूवर करेंगे। तो ये सारा जो है मेथड आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। इजी वे के मेथड के साथ जो है आप इसको कलर वाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रास्ट को करता हूँ मैं। ठीक है, एक्सपोजर ज्यादा हो गया है तो फिट टू व्यू यहाँ पर इसकी जूमिंग जो है 33 पर कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी इसकी स्किन की शाइन का पता चले। थोड़ी सी शेडो शेडो ज्यादा नहीं, थोड़ी सी वाइटिंग कम, ब्लैक थोड़ा सा डार्क के अंदर थोड़ा सा इसे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी ग्रेविटी एंड वाइब्रेंस जरूर ऐड करना है। वाइब्रेंस से ये है कि आप इजीली जो है कलर्स को अच्छे के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकती हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं नॉइज प्रोटेक्शन। ठीक है, रिडक्शन नॉइज रिडक्शन है तो नॉइज रिडक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये हमारे नॉइज जो है स्किन के थ्रू से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर और ही स्किन है, यहाँ पर रेड को थोड़ा सा अबव करूंगा। ब्लू कलर है शर्ट का तो इसका भी थोड़ा सा कलर की लुक चेंज करूंगा। थोड़ा सा एफएक्स ऐड करूंगा। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा एफएक्स यहाँ पर ब्लू को थोड़ा सा कलर ग्रीन, ये देखें। तो ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स को इस पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की लुक जो है यहाँ पर ग्रेविटी लुक जो है बन के आई है। ठीक है, तो अब जो है ना इसके ऊपर हम जो है ना एक्सपोजर का फिल्टर यूज करेंगे। एक्सपोजर एक्सिस का मैं यूज करूंगा। तो इसके ऊपर एक्सपोजर एक्सिस का जो ब्रांड वाला जो फिल्टर है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है वो मैं यूज करूंगा। उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा तो वो आप लोग वीडियो के अंदर देख सकती हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि बिफोर आफ्टर आप लोगों को पिक्चर शो करवाऊंगा कि किस तरह की लुक आप लोगों के सामने रिव्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल आर कर देता हूँ, रीसेट हो जाएगी लेयर मेरी। तो यहाँ पर ये मेरी पिक्चर्स है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पर माय प्रीसेट के अंदर जो है ना मैं अपना प्रीसेट यहाँ पर यूज करूंगा जो मैं अदरवाइज ज्यादातर वही यूज करता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरह की लुक जो है जनरेट हुई है, ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह की लुक जो है आप यहाँ पर क्रेवल लुक के अंदर जो है ना इधर कर सकते हैं वर्क। ये देखें, ये मैंने ओके किया, ये फिल्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अप्लाई ओके करता हूँ तो ये आप लोग वॉच कर सकते हैं कि फिल्टर बिफोर आफ्टर आप लोगों को दिखाता हूँ कि वन क्लिक के अंदर जो है आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर थोड़ा सा अप्लाई होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मैनुअली एडिटिंग है, ये देखिए आप लोगों के सामने इजी वे के मेथड के अंदर जो है मैंने इसको रिटच किया है और इसके ऊपर फिल्टर जो है अप्लाई किया है। तो गाइज छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता, जैसे कि मैंने इसके अंदर स्काई की थोड़ी सी लुक चेंज की है, क्लाउड ऐड नहीं की है, जस्ट स्काई का कलर चेंज किया है, व्हाइट स्काई का कलर चेंज किया है। तो उसको किस तरह हम इस तरह चेंज करते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने बहुत इजी से मेथड है, अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए इजी वे से मेथड वाली जो है चीजें लेके आता रहूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो
तो काफी दिनों के बाद जो है मैंने वीडियो अपलोड की है, तो तबीयत भी खराब थी, थोड़ा सा वर्क के अंदर भी बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं तक क्रिएट कर रहा। तो कुछ आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा था अल्लाह के हुक्म से, तो इंशाल्लाह आप लोग और भी ज्यादा सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है क्रिएट करूंगा। तो ये देख सकते हैं कि ये पिक्चर जो है मैंने क्रिएट की है, यहाँ पर जो नॉइज आप लोगों को देखने को मिल रहे थे स्क्रीन के ऊपर वो सारे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं सेव करता हूँ, ये कंट्रोल शिफ्ट एक्स किया, ठीक है, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पर मैं जेपीजी के अंदर क्लिक करके यहाँ पर इसका नेम जो है साथ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, कि आप लोग भी देखेंगे कि मैंने क्या वर्क किया बिफोर आफ्टर, आप लोगों को शो करवाता हूँ। इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन मैंने फुल लार्ज फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो गाइस जो है ये मेरी पिक्चर एडिटिंग ओके आ गई है, ये बिफोर है और ये आफ्टर, ये आप लोग फुल खुद जजमेंट कीजिएगा कि क्या हमने वर्क किया है और इसके अंदर हमने कलर गाइडिंग कैसी की है। तो अगर गाइज आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, कुछ वीडियो के अंदर से मिला है, तो गाइज आप लोग वीडियो को फुल एंड तक सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं ये पिक्चर थी, इस पिक्चर्स को इस पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट किया है, वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के सामने मैंने इसकी कलर गाइडिंग की है, यहाँ पर शूजों की भी आप कलर गाइडिंग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर शूजों के भी कलर गाइडिंग कितनी बेस्ट हुई है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता, जो आप लोगों के साथ मैं गाइड करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीजें जो है आती रहेंगी और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्किन के ऊपर जो है आप इजिली क्लीननेस देख सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ कोई भी शेयर नहीं करता। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी से वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी, अल्लाह नेगेबान।